Soluble.
जैसे हमने लिया पानी का क्लास लिया, आपने उसमें सॉल्व कराया किया, जब वो कंप्लीट होने की फॉर्म हो जाएगा गैस हो जाएगा। फिर आपने शुगर लिया, शुगर को ऐसे स्टर किया, ठीक है, वो इसीलिए वहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, हाँ हो रहा है। फिर जो सॉल्ट वगैरह है, फिर शुगर है, वो सारी चीज़ें क्या है इजीली डिसॉल्व हो रही है। फिर यहाँ पर इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे, सॉल्ट शुगर है, फिर दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे कि कोई दूसरा लिक्विड दे दिया जो सोल्युबल नहीं है उसमें इनसॉल्युबल, मींस व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर, वी कॉल इट द इनसॉल्युबल द मटेरियल। जैसे कि मैंने ये चॉप स्टिक लिया, उसको मैंने एकदम पाउडर बना दिया और मैं पानी में उसको मिक्स करूंगी, क्या वो मिक्स होगा, क्या वो मिक्स होगा, नहीं होगा। जब तो हमने क्या बोला, चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर है, फिर सैंड है ना, ऑल दिस आर कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे दो चीजें बात की, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। और दो चीजों की बात हम करेंगे, दैट इज उससे पहले हमें टेबल देख लेते हैं। उसमें है सॉल्ट है, शुगर है, सैंड है, ठीक है, सो सॉल्ट है, शुगर है, सैंड है, सॉल्ट पाउडर है, ठीक है ना। तो क्या सॉल्ट है वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, तो हम लिखेंगे या डिस अपीयर कंप्लीटली वाटर, और लिखेंगे आप नॉट डिसॉल्व, और यहाँ पर आप डिसॉल्व भी लिख सकते हो और डिस अपीयर कंप्लीटली वाटर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिसॉल्व शुगर भी डिसॉल्व होता है ना, सैंड है वो डिसॉल्व नहीं होगा, नॉट डिसॉल्व, चॉक पाउडर है वो भी डिसॉल्व नहीं होगा। ये सारी चीजें क्या है, नॉट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली डिसअपीयर इन वाटर। ये सारी चीजें क्या है, कंप्लीटली डिसअपीयर इन वाटर। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये टेबल दिया है, वहां पे आपको ये सारी चीजें फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बात की, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है उसको हम सॉल्युबल बोलेंगे, और जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल। नाउ
बात कर रहे थे उसमें हमने बात की सोल्युबल और इनसोल्युबल और इनसोल्युबल। नाउ है मिसिबल, मिसिबल सी मिसिबल का मतलब क्या है और इनविजिबल। सी मिसिबल का मतलब क्या है कि आपने वाटर में वो डाला ना, वाटर के साथ उसको मिक्स किया तो वो क्या है कंप्लीटली उसमें मिक्स हो जाएगा ना, और सोल्युबल मतलब मिसिबल ओनली ना, सोल्युबल बोलो या इनविजिबल बोलो तो मिसिबल भी यूज करते हो और इनविजिबल भी यूज करते हो। ऐसी चीजें जो आपने क्या किया डायरेक्टली मतलब वाटर के साथ क्या हो जाता है कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं ना, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। यहाँ मेरे पास है लाइम जूस है ना, लाइम जूस। फिर दूसरे टेप में मेरे पास है विनेगर, तीसरे में मेरे पास है मस्टर्ड ऑयल, चौथे में मेरे पास है फिर इन सब को मैं पानी में मिक्स कर लूंगी तो यहाँ पे क्या है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम मिसिबली हो या डिसॉल्व हो दोनों एक ही चीज है ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ लिक्विड्स की बात करते हैं तो हम उसमें मिसिबल वर्ड यूज करते हैं और इनविजिबल वर्ड। लिक्विड की बात करेंगे तो हम मिसिबल की बात करेंगे तो ये क्या है कम्प्लीटली दोनों का मतलब तो सेम है, सोल्युबल का जो मतलब है वो मिसिबल का मतलब है, इनसोल्युबल का मतलब है वो भी इनविजिबल का मतलब है, पर जब हम लिक्विड की बात करते हैं तब लिखेंगे हम मिसिबल। तो लाइम जूस को जैसे कि आप नींबू पानी बनाते हो तो पानी में लाइम जूस डालते हो तो कम्प्लीटली डिसॉल्व होगा फिर ना, और विनेगर है वो भी क्या है हमारा मिसिबल है ना, मस्टर्ड ऑयल है जैसे कि ऑयल वगैरह आप पानी में डालोगे तो क्या होगा डिसॉल्व होगा नहीं होगा तो क्या है इनमिसिबल है। ये भी इनमिसिबल भी है। ऐसी चीजें वो कंप्लीटली मिक्स विथ वाटर नॉट मिक्स विथ वाटर। सोल्युबिलिटी में हमने बात की सोल्युबल सोल्युबल विजिबल इनविजिबल है ना, एक जो कंप्लीटली मिक्स हो रहा है और दूसरा है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है ना, वो सारी चीजें क्या है हमारी सोल्युबिलिटी। आपने एक और चीज ऑब्जेक्ट है वो हमारे क्या होंगे या तो मे बी सिंक करेंगे या तो वो फ्लॉट करेंगे, फ्लॉट पानी में फ्लॉट फ्लॉट करेंगे तो कुछ
ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उसको कैटेगराइज किया कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे प्लॉट करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सिंक कर जाएंगे, है ना। सल्युबिलिटी में दो चीज़ें हम और पढ़ेंगे, एक सल्युबल है एक इनसल्युबल है, तीसरी चौथी चीज़ क्या आ सकती है ना। सल्युबल इनसल्युबल में हो गया हमारा कि एक चीज़ है कम्प्लीटली डिजॉल्व है, एक चीज़ है कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं है। तो ये जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं है तो उसमें क्या चीज़ हो रही है, या तो वो चीज़ क्या करेगी तो सिंक कर जाएगी, या तो वो चीज़ है वो फ्लोट करेगी ना। इनसल्युबल है तो उसमें क्या चीज़ हो रही है वाटर के साथ, तो जैसे कि मैंने क्या किया कि चौक का टुकड़ा है वो पानी में डाल, तो वो हमें पता है क्या करेगा सॉल्युबल डिजॉल्व नहीं होगा पानी के साथ, तो क्या होगा, क्या वो सिंक कर जाएगा, हाँ वो क्या करेगा सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, है ना। जैसे कि लिक्विड, मैंने यहाँ पे कैस्टर ऑयल मस्टर्ड ऑयल दिया उसको पानी में डाला, तो वो भी कम्प्लीट वो क्या है इनविजिबल है, वो डिजॉल्व कम्प्लीटली नहीं हो रहा था। इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो हमारा ऑयल्स है वो सारी चीज़ें क्या करती है फ्लोट करती है। तो एक कुछ ऑब्जेक्ट्स है हमारे फ्लोट करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे सिंक करेंगे। ऐसे भी आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ उठा के देखो, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ है उसको आप पानी में ग्लास में डाल के देखो क्या वो फ्लोट करेगी या वो सिंक करेगी, ना। उसके बाद है हमारे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी glass, water,
सी आर कॉल्ड जैसे कि आपने देखा होगा वुड के बॉक्स होते हैं, है ना, वुड के बॉक्स है, फिर मेटल के आपने डब्बे देखा होगा ना, तो मेटल कंटेनर के जो कंटेनर्स है उसमें हम जैसे स्टील का कर डब्बा टच करके हम क्या देखने की बात है ना। फिर आपने देखा कार्डबोर्ड के बॉक्सेस है, उसके बारे में पढ़ा था उसके
सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी में हमने देखा कि वो क्या है, सोल्युबल है कि नहीं है, वो पानी में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर विजिबल इमेजरेबल इट मीन्स वो लिक्विड्स है वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों में हम सोल्युबिलिटी की बात की। फिर फ्लोट के बारे में बात की कि जो हमारे इनसोल्युबल्स है क्या वो हमारे पानी में फ्लोट कर रहे हैं कि सिंक कर रहे हैं, है ना, उसकी बात की। उसके बाद हमने बात करी ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी में हमने वापस तीन कैटेगरीज कर दी, एक तो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है और ट्रांसल्यूशन है। ओके, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अंदर से हम सारी चीज़ों को क्लियरली देख पाए, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर से हमें कोई चीज़ दिखेगी ही नहीं, ठीक है। फिर ट्रांसल्यूशन में क्या किया कि हमें उसमें से चीज़ें दिख रही है बट इतनी क्लियर नहीं, है ना। तो ये चैप्टर्स में हमने इतना तक पढ़ा, अभी उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।